तो आज फाइनली हम जा रहे हैं अपने काम खत्म करके। हैप्पी एनिवर्सरी। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेरा व्लॉग्स, और मैं हूँ रिचा। तो आज फाइनली हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। घर का सारा काम मैंने खत्म कर दिया है और मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो एज यूजुअल मैंने पहना हुआ है अपने हस्बैंड की टी शर्ट, जो कि कुछ ऐसी है। ये हमने रात के लिए बनाया हुआ है पराठे और मटर पनीर की सब्जी मेरे हस्बैंड ने बनाई है। यहाँ पे गैस वगैरह क्लीन हो गया है, यहाँ पे पूरा स्पेस मैंने क्लीन कर दिया है। ये जो बर्तन रखे हुए हैं, बस इसे बस अपनी जगह पे रखना है, फिर किचन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो जल्दी जल्दी से मैं बर्तन अपनी जगह पे रख देती हूँ। रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड, और फाइनली हम घर से बाहर निकल चुके हैं। क्योंकि बाकी लोगों का तो पता नहीं, बट मेरे साथ ये हमेशा होता है कि जब तक मैं घर में रहती हूँ और जितना भी टाइम हमें निकलने के लिए रहता है, उस पूरे टाइम में मैं यही सोचते रहती हूँ और सामान चेक करते रहती हूँ कि हम कुछ रखना भूल तो नहीं गए। और इसी आदत की वजह से हमेशा मैं अपने हस्बैंड से डांट खा। कैसा लग रहा है आपको? तो गाइज हम लोग फाइनली ट्रेन पे बैठ चुके हैं और अभी तो हमारी ट्रेन खाली, पर आगे से पूरी फुल हो जाएगी। हमारी ट्रेन का टाइम है 4:10 का, और आधे घंटे पहले ही हम आ चुके हैं अपने काम खत्म करके। है ना बेबी, एनिवर्सरी गिफ्ट क्या है मेरा? पूरी में। अच्छा, घुमाने लेके जा रहे हो? यहाँ पे रखा हुआ है हमारा खाना, बॉटल और मेरा चिप्स। आप क्या बोल रहे थे, आपको चाय पीनी है? अब भी तो घर से निकले ना हम लोग। हाँ, और अभी से चाय पीनी है? तो हमारी ट्रेन चल पड़ी है, और मैं इस व्लॉग के जरिए, क्योंकि मेरा व्लॉग मेरे हस्बैंड देखते हैं, तो उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने कम समय में हमारी एनिवर्सरी के लिए एक टूर प्लान किया। सो थैंक यू सो मच हस्बैंड जी, कि आप हमारे स्पेशल डे के लिए स्पेशल जगह लेके जा रहे हो। थैंक यू सो मच। तो गाइज हम सो के उठ चुके हैं और अभी हम पहुंचने वाले हैं भुवनेश्वर। वहां से लेने वाले हैं हम अपने लिए कुछ नाश्ता, देखते हैं क्या मिलता है। ये हमारे शादी के बाद की पहली ऐसी एनिवर्सरी है जो कि हम ट्रेन में हैं, क्योंकि हम जब भी कहीं भी जाते हैं तो एनिवर्सरी के एक दिन पहले ही वहाँ पहुँच जाते हैं। बट ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एनिवर्सरी वाले दिन हम ट्रेन पे हैं। बट कोई नहीं, कभी कभी लाइफ में कुछ चेंज भी होना चाहिए। और हम पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर, तो देखते हैं कि यहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है। वैसे तो हर समय हमें यहाँ पे एकदम गरम गरम नाश्ता मिल जाता है, तो हमें फर्स्ट टाइम यहाँ पर कोई भी गरम गरम ब्रेकफास्ट नहीं मिला। हमने थोड़ी आगे तक जाके भी देखा, बट कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो हमने लास्ट में डिसाइड किया कि हम बिस्किट और चाय ही ले लेते हैं, क्योंकि भूख तो हमें बहुत ज़ोरों की लगी थी। और जैसे जैसे हम अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंच रहे थे, तो हमें पता चला कि यहाँ पर भी खूब बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि हर जगह कितना पानी भरा हुआ है। तो ऐसा मौसम देख के मेरा और मेरे हस्बैंड का फेस कुछ ऐसा बन गया कि ओहो, बस पहुंचने वाले हम लोग। कितना टाइम है? आधी घंटा बचा ही हुआ है अभी तक। लेट हो गई ना ट्रेन? कितनी देर? अभी तक तो हम होटल पे भी पहुंच जाए रहते। तो गाइज आप भी देख लीजिए कि बारिश कितनी ज्यादा हो रही है यहाँ। फाइनली गाइज पहुंच चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पे, और जहाँ हम आए हैं वहाँ पे पहली बार हो रही है बारिश। तो हम आए हुए हैं जगन्नाथ पुरी, और पहली बार हमें बारिश का मौसम देखने को मिल रहा है। कि हम जब भी यहाँ आते हैं तो बहुत ज़्यादा होती है धूप, बट अब इस बार हो रही है बारिश।